हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। तो भाई देख सकते हो, मार्केट वाले एरिया में लगे ना किसी एंगल से कि लॉकडाउन चल रहा है। देख सकते हो कितनी ज्यादा मतलब कि मार्केट है, मतलब काफी दुकानें बंद दिख रही है। इस तरफ में काफी दुकानें खुली भी है, जैसे केमिस्ट हो गया और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह की शॉप हो गई, तो ये खुली हुई है। तो और बाकी रोड पर देख रहे हो आवाजाही, तो रोड जो है काफी हद तक साफ मतलब जो है भर चुका है। मतलब मुझे तो लग नहीं रहा फिलहाल, हमारा रोड जो है नॉर्मल दिनों में भी इतना भरा रहता था, ये वाला रोड जो है। तो देख सकते हैं काफ़ी हद तक लोग दिखाई दे रहे हैं शाम के टाइम, और शायद मुझे लग रहा है कि अभी कुछ टाइमिंग है 7 बजे तक की, तो उसके बाद शायद ये लोग अपने अपने घरों में हो जाएंगे, शायद शॉपिंग के लिए बाहर निकले होंगे। तो चलो भाई अपना टॉपिक स्टार्ट है। जो अपना जो आज मैंने जो ये वीडियो बना रहा हूँ बाहर आकर, वो ये था कि भाई 45 दिन के बाद बाइक स्टार्ट करी है। तो स्टार्ट तो हो गई थी और अभी भी एक एक में गाड़ी स्टार्ट हुई थी जब मैं लेके आया हूँ इसको। तो भाई सीन ये है कि फील करना है कि इसमें जो है क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो अभी तक तो मुझे ऐसा सच कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही इसमें, क्योंकि मैं अभी हल्के चला रहा हूँ। और हाँ, एक प्रॉब्लम ये तो मैंने आपको गिनवा दी थी, दिखाई थी लास्ट वीडियो में, आपने देखा होगा, मैंने बताया था इसके बारे में। बाकी एक मीटर, ये मीटर की प्रॉब्लम आ रही है, मीटर नहीं काम कर रहा, पता नहीं क्यों। पहले भी तार टूट गई थी इसकी और फिर दोबारा मुझे लग रहा है गरारी ख़राब हो गई है, तो वो मैं चेक करा लूँगा मैकेनिक की शॉप जब खुलेगी, तो गरारी चेक कराऊंगा। शायद गरारी जो है ना वो मीटर की तार काट रही है, इस वजह से ये बार बार बंद हो जा रहा है, या फिर ऊपर से लूज़ हुई है, ठीक है, दोनों में से एक काम है। तो ये बंद हो गया है, ये बंद हो गया है, और गाड़ी तो अब स्टार्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना जो किचन था गंदा और था, काफ़ी हद तक साफ़ हो गया, देख सकते हैं आप, है ना। और अपना जो ये पीस फ्लैग है ये भी साफ़ हो गया है। अब थोड़ा सा गाड़ी को खींच के देखते हैं, मीटर तो काम नहीं कर रहा, पता नहीं चलेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और हाँ, आवाज़ किससे आ रही है, आवाज़ सही आ रही है ना। बाकी थोड़ा वाइज़र को बंद कर लेता हूँ, अब देखो अब कैसी आवाज़ आ रही है। लो भाई साहब, सामने रास्ता बंद है। ओ दे 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 दे, देखा ही नहीं भाई, बिना देखे बंदे ने गाड़ी मोड़ दी। सोचो मैं स्पीड में होता तो काम ही हो जाता। ये क्या तार खुला हुआ है? अच्छा तार लगा हुआ है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा था खुला हुआ है, निकल जाएगी गाड़ी हमारी, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ से हमारे को थोड़ा जुगाड़ मारना पड़ेगा। देखो स्कूटी वाले, देखो स्कूटी वाले को। अरे भैया फंस गए स्कूटी में, दिक्कत है भाई साहब। देखो अब देखो, मेरे लिए ना दोनों इजी है, यहाँ से भी निकलना, यहाँ से भी निकलना, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, ठीक है जी, यहाँ से यूँ निकल जाओ आराम से। तो गाइज मैं बाहर आ चुका हूँ अपने इधर इस रोड से, और ये अपना पेट्रोल पंप वाला रोड हो गया, तो यहाँ पर गाड़ी खींचते हैं। ओ बेटे सही सही आ रही है पावर भाई, बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ ना, बहुत अजीब सी लग रही है, मतलब अजीब सी लग रही है बहुत ज़्यादा। ओए ये हमारे यहाँ का NRI कॉम्प्लेक्स है, क्या बात है क्या बात है, फुल लीन। तो भाई साहब आपको रोड देख के समझ में आ रहा होगा कैसे रोड पीछे भाग रहा है, समझ रहे हो ना, गाड़ी तेज चल रही फुल, मतलब जहाँ तक बताओ 60-70 की चल रही है, मस्त चल रही है। ये इतना बहुत है, हल्का सा रिस्पॉन्स धुआं पे, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, तो यही तो चाहिए होता और क्या चाहिए होता है। तो ये रोड तो खुला हुआ था, अब यहाँ से देखते बंद है क्या। ओ बेटे ये रोड ही बंद है भाई साहब, CR पार्क वाला हमारा, और यहाँ से मेरा घर आ जाएगा घूम के। तो ये रोड भी बंद है, तो वापसी लेंगे यहाँ से U-turn और अगेन भगाएंगे इसको, क्योंकि बिना भगाए तो मज़ा ही नहीं आएगा ना। बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ, मज़ा आ रहा भाई। थोड़ा नीचे का हाल देख लो, गाड़ी तेज चल रही चल रही, ये गाड़ी धुआं तो नहीं दे रही, नहीं गाड़ी धुआं भी नहीं दे रही, मस्त चल रही है गाड़ी। इसको कुल मिला के गाड़ी हमारी मस्त चल रही है, और यहाँ पे मैं लेटा दूंगा इसको, क्या बात है क्या बात है, मस्त चल रही है भाई साहब, फुल धुआंधार, पेट्रोल तो उसमें है, ये पेट्रोल पंप पे अपना वाला। तो गाइस पेट्रोल इसमें पूरा है, चल बढ़िया रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वापसी वही रोड आ गया जैसे हम आए थे, तो फिर दोबारा हम यहाँ से निकाल देंगे गाड़ी। इस बार हम यहाँ से निकालते हैं, पहले इस बार यहाँ से निकालेंगे। बस की टेक्निक में बताऊँ क्या है, कुछ भी नहीं है यार। देखो गाड़ी यहाँ सीधा लो, वो भैया खाना खा टेंशन उड़ती उनको, देखो ये भी रोक दी, अब ये डिवाइडर है ना, इस पर आराम चढ़ा देंगे गाड़ी, यूँ करके चढ़ गई गाड़ी, हल्का झुकेंगे और हो गया काम। देखो एक बार में हो गया, नहीं हो गया काम, यहाँ सिल्ट मार के नीचे उतर गए। मतलब ये लगा लो इस रोड पे आके ऐसा लग रहा है कहाँ आ गया, फॉरन वॉरन के रोड पे आ गया, खाली पड़े रोड कुछ है ही नहीं।
वाह यार। चलो भाई, एक मार्केट तो मैंने आपको दिखाई जो मैंने जहाँ पे स्टार्ट की थी वीडियो, एक मार्केट तो वो थी हमारे घर के पास, और एक और मार्केट है जो घर के बिल्कुल नियरेस्ट है, वो भी वहाँ भी चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या वहाँ पे कैसा माहौल है, मतलब वहाँ भी भीड़ हो रही है या नहीं हो रही है ना, वो भी देखते हैं एक बारी। भाई साहब कुत्ते कुत्ते का राज हो रहा फुल। क्या बात है, मेरे को तो भाई मजा आ रहा चलाने में। आई होप आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, अगर आवाज क्लियर आ रही है तो भाई बढ़िया, और नहीं आई तो प्लीज यार एडजस्ट कर लेना भाई, क्या करूं, बहुत दिनों बाद निकाला है सेटअप ये, और बहुत अच्छा लग रहा है भाई को, बड़ी सी स्माइल है मेरे ऊपर इस टाइम पे, मजेदार। गड्ढे फड्ढे आ रहे हैं भाई, मैं तो रोड ही भूलिया गड्ढे कौन से कहाँ पे थे। तो देखो जी, वो सामने रोड है, वहाँ पे है मार्केट, और अभी बस ये रोड जो सामने चौराहा आ रहा है इसको क्रॉस करते समझ लो मार्केट वाला एरिया स्टार्ट हो जाएगा, फिर देखनी भीड़ है इस रोड पे। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है भाई कुत्तों वाली भीड़ हो रही है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ये रोड क्रॉस कर लेते हैं, लेफ्ट राइट देख के भी उड़ान हो जाए हमारे को, तो बन जाएगा मोटा ब्लॉग अपना। तो भाई ये अपना रोड स्टार्ट हो गया, देखो हो जा। तो ये दुकान है अख्तर भाई की, और यहाँ पे सारी दुकानें लाइन से बनी हुई है, और ये बंदा निकाल रहा है कार होंडा सिटी, हमने कट मार के जिगजैग फुल टेढ़ी मेढ़ी रफ ड्राइविंग। और यहाँ पे हाँ, ये लाइन जो है ना गाइस, ये खाना बट रहा है, देखो यहाँ पे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, तो भाई दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार ने बहुत अच्छा करा हुआ है, सारे गरीब आदमियों को देख रहे हो खाना बट रहा है यहाँ पे लाइन से वन बाय वन, रोज एक दिन भी नहीं डेली बट रहा है जब से लॉकडाउन लगा है डेली, और राशन कार्ड जिनके पास है उनको भी राशन फ्री मिल रहा है, प्लस अगर बात करेंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो उनको भी राशन मिल रहा है आधार कार्ड के थ्रू, तो यार ये बहुत अच्छी बात है। और तो और भाई साहब ये लगा लो, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है, तो पहली बार सरकार ने भी ऐसा काम करा है, वो भी दिल्ली सरकार ने, कि जो राशन होता है ना जिसे गेहूं वेहूँ जो होता है उसके साथ साथ होता है क्या क्या दिया है, एक किलो फॉर्चून ऑयल टाइप जो होता है सोयाबीन ऑयल, ठीक है ना, रिफाइंड ऑयल जिसे बोलते हैं वो दिया है, साथ में अगर बात करेंगे मिर्च मसालों की तो मिर्च मसाला भी दिया है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं जो मतलब बंदा यूज़ कर सके बना सके खाना वाना, ठीक है ना। तो भाई साहब यहाँ तो किसी एंगल से लग ही नहीं रहा मुझे कि लॉकडाउन में, दुकान देख के लग रहा है कि लॉकडाउन जैसी दुकानें बंद है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दुकानें खुली हुई हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की हो गई, और ये STD खुला हुआ है, मतलब लेमिनेशन करानी हो किसी को, तो ये अपना जो है दही वही की दुकान खुली हुई है, दूध ब्रेड खुला हुआ है, सब्जी टमाटर और घर का सामान क्लीनिंग वगैरह का, ठीक है ना, वो सब है। और भाई साहब बाकी भीड़ देख सकते हो आप, है ना, तो भीड़ है, मतलब मुझे लग रहा है शाम के टाइम लोग निकलते हैं सामान वामान लेने के लिए जिनको नीड होता है, तो उनके लिए है ये, ठीक है कोई बात नहीं यार। बाकी बंदे में सब ने मोस्टली मास्क लगाए रखे हैं, और जो लेडीज़ हैं वो दुपट्टे उपट्टे से काम चला रही है, जेंट्स हैं वो मास्क लगा रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी काफ़ी सारी लेडीज़ जो है मास्क भी लगा रही हैं, बाकी जो ज़्यादा आंटी टाइप हैं वो भाई दुपट्टे का ही काम कर रही हैं अपना, मतलब दुपट्टे से ही काम चला रही हैं कुल मिला के। चलो आगे चलते हैं, और ये पूरी मार्केट है यहाँ पे, देखो ये आंटी जी खड़ी थी ना, इन्होंने दुपट्टा लगा रखा था, अच्छा ये आंटी जो है इन्होंने मास्क लगा रखा है, चलो बढ़िया चीज़ है भाई। तो यहाँ पे लोग सामान वामान लेने आए, देख सकते हैं आप फुल डिस्टेंसिंग हो रही है, यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है, वो बेटे दिल्ली पुलिस खतरनाक पुलिस है। सही है भाई सही है। ये देखो फुल स्वैग चल रहा है, शाम के टाइम में सनग्लास लगा रखा भाई ने, अलग ही स्वैग चल रहा है भाई का। तो गाइस देख सकते हो पूरा मैं मार्केट में आ गया, बाहर निकल गया, ये अपना कालकाजी की मार्केट स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, वो मतलब उधर की एक्सटेंशन की मार्केट थी, और ये मेन कालकाजी की मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ भी चलते हैं थोड़ा देखते हैं। अच्छा अब बात करते हैं, एक भाई मेरा बड़े दिन से परेशान हो रहा है, वो भाई लीवर के बारे में बताओ भाई। ये देखो मॉक्सी का जो लीवर है ना, ये बहुत बढ़िया लीवर होता है, एडजस्टमेंट होती है इसके अंदर 1 से 6 तक, मतलब क्लच जो होता है ना, जैसे मैं यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ये अगर मैं एक पे कर दूंगा तो यहाँ से इतने से काम करेगा इतने से, ठीक है, तो वो क्या होता है एक तरह से स्लीपर क्लच का काम करता है, मतलब फास्ट जो है ना गियर मतलब वो हो जाते हैं शिफ्ट हो जाते हैं, बढ़िया होता है मतलब वो बाइक तेज चलाने के लिए, और उसमें जितने नंबर बढ़ाते उतनी उसकी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, तो ये होता है उसमें, और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब बेकार लग रहा होगा, इसमें एडजस्टमेंट बनी हुई, जैसे कि आप नीचे देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट है 1 2 3 4, तो अभी क्या है कि मैंने लास्ट वीडियो बताया था ना ये टाइट करना है, तो एलंकी जो है ना इसकी बहुत छोटी छोटी है, मेरे पास जो है वो एलंकी बड़ी है,
तो मैं इसको टाइट नहीं कर पाया हूँ, बट हाँ ये है कि ये क्वालिटी अच्छी है कि ये लूज तो हो गया है बट इतना लूज नहीं हुआ, मतलब निकल नहीं रहा, जो नट होता है ना वो नीचे से एलंकी वाले बोल्ट में से निकल नहीं रहा बाहर, ये अच्छी बात है। तो ये मतलब अच्छी कंपनी का है। और हाँ ये ओरिजिनल मॉक्सी है, लाइक ऐसा है ना बहुत सारे ना करोल बाग में आपको ना मॉक्सी के नाम के बहुत सारे लीवर मिल जाएंगे आपको, मतलब वो 500 रुपए के भी दो मिल जाएंगे, कोई 700 रुपए के भी दो देगा, और जो अच्छे आते हैं ना भाई साहब वो 1000 से 1200 रुपए में आते हैं, जिनका पेंट नहीं हटता, इसका पेंट नहीं हटा और प्रॉपर, ये ऐसा नहीं कि वो एक तो भाई मैं आपको बताऊँ लोहे टाइप में ना एल्युमिनियम होता है ऐसी ना एक वो होता है रांगा बोलते हैं उसको, मतलब बहुत जल्दी डेकचून टाइप समझ लो ना वो बहुत जल्दी टूट जाता है, ये जो है ना प्योर एल्युमिनियम का है, इसके अंदर ये जो चीज़ है ना ये भी एल्युमिनियम की है और एलंकी लगी हुई है इसके अंदर, मतलब एलंकी वाले बोल्ट लगे हुए, तो भाई क्वालिटी दिखती है ठीक है ना। तो आपको अगर ऑनलाइन चाहिए हो तो आप वही चीज़ है कि आप ऑनलाइन में देख तो लोगे मॉक्सी का, क्योंकि फोटो लगा हुआ मॉक्सी का डिस्प्ले पे और आप देख के मतलब समझ जाओगे हाँ भाई ये ओरिजिनल है, आप मंगा भी लोगे, लेकिन भाई जब घर में क्वालिटी आएगी ना तो फिर वो पता फिर तो आप कुछ भी कर लो, वो तो आपके पैसे गए समझ लो है ना। तो अगर किसी को चाहिए हो ना भाई ओरिजिनल जहाँ से मैंने लिए थे, तो अगर चाहिए हो तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे आप DM कर देना, लॉकडाउन के बाद जो भी इसका प्राइस आ रहा होगा ना बेस्ट प्राइस, उस बेस्ट प्राइस में आपको मंगवा के मैं अरेंज करा सकता हूँ, मतलब जो शिपिंग चार्ज होगा वो आपको देना होगा, जो इसका पैसा जो लगेगा वो आपको देना होगा, बट हाँ ये इसका रहेगा फॉर श्योर के ये ओरिजिनल होगा आपका, मतलब अच्छी क्वालिटी का होगा ठीक है ना। 2-3 कलर इसके अंदर आते हैं, वो कलर आपको मैं बता दूंगा एक वीडियो के अंदर प्रॉपर कि हाँ भाई इस वीडियो के इस मॉक्सी लीवर के ये कलर आ रहे हैं, तो जिसको चाहिए हो गोल्डन ब्लैक रेड जो भी चाहिए हो मुझे बता दो और DM कर देना भाई कि हाँ चाहिए, तो मैं आपको बता दूँगा प्रोसेस क्या है पैसे भेजने का, तो पैसे आप भेज देना इसका अमाउंट और जो कोरियर का होगा वो अमाउंट आपके घर पे ये पहुंच जाएगा, चाहे कहीं पे भी मंगाना हो आपको मिल जाएगा ठीक है ना। तो मैं अभी लॉकडाउन के बाद ये करने वाला हूँ सिस्टम के जितने भी भाई हैं ना अपने, उनको अच्छे इंडिकेटर सामान बाइक का जो भी वो करेंगे वो अपने पहले बाइक में यूज़ करूँगा, देन उसके बाद अच्छा लगे तो आपको ऑर्डर मुझसे करो और डायरेक्ट मैं आपको चीज़ मंगा के दे दिया करूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारा सामान ओरिजिनल मिलेगा क्योंकि पहले हम यूज़ करेंगे देन उसके बाद आपको भेजेंगे नया लेकर ठीक है ना। तो जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे वीडियो में आपके। तो भाई अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि आगे नेहरू प्लेस आ जाएगा, अभी मैं कालकाजी में चल रहा हूँ, तो रिटर्न ले लेता हूँ गाड़ी क्योंकि भाई आगे कहीं पता चले मैं वॉलेट लेके नहीं आया हूँ है ना, पता चले पेपर वेपर की दिक्कत हो जाए, और ना इस पे कोई पास वास लगा हुआ है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी नहीं, मेरे कई सारे दोस्त बोलते हैं भाई ये उस्ताद जी का मतलब क्या होता है, मैंने कहा भाई ये उस्ताद जी को ना उस्ताद जी बोलते हैं पंजाब साइड में जहाँ तक मैंने सुना है, तो अगर भाई मैं सही सुना है तो जितने पंजाब वाले भाई हैं या जिनको पंजाबी आती है वो कमेंट सेक्शन खुला है कमेंट में जरूर बताना कि भाई उस्ताद जी को ही बोलते हैं ना ये पता चले मैं अभी फड़ियाँ मार रहा हूँ चलो भाई ठीक है यहीं से घर निकलते हैं वापसी, और बाकी बाइक जो है ना मस्त चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आएगी किस चीज़ के ऊपर, वो आएगी गाड़ी की सर्विस के ऊपर, क्या क्या चीज़ें ऑयलिंग करनी है ठीक है, और हमें मतलब कैसे सर्विस करनी है, एयर फिल्टर कैसे साफ करना है। मैंने कई वीडियो मैंने कई बार वीडियो बना चुका हूँ, एक दो बार मैंने सर्विस करके दिखाया भी है, लेकिन बहुत सारे जो न्यू व्यूअर्स हैं अपने नए भाई जो फैमिली में ऐड हो रहे हैं उनकी डिमांड आ रही है भाई कैसे सर्विस करें, इतनी चल गई उतनी चल गई कैसे करें ये वो, तो उनके लिए मैं प्रॉपर एक ही वीडियो बना दूंगा कि सर्विस कैसे करनी है, ऑयल कैसे जज करना है ख़राब हुआ है कि नहीं हुआ है, और एयर फिल्टर कैसे साफ़ करना है, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा बहुत जल्दी, तो नेक्स्ट वीडियो हो सका तो वही आएगी। और बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा ताकि ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन ना बढ़े ठीक है ना। और भाई अच्छी लगी हो वीडियो तो भाई वही काम करना है आपको, लाइक करना है वीडियो को, कमेंट चुकाना है प्यारा सा, और भाई इंस्टाग्राम पे आ जाओ फॉलो कर लो फटाफट से, और सब्सक्राइब कर लो चैनल अगर नहीं किया है तो।